यहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं है, है तो बहुत दूर में है, 2.5 किलोमीटर आगे में है, फिर उसके बीच में एक जंगल है, उसको पार करना पड़ता है। वहाँ जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, जैसे जंगल पार करके जाना पड़ता है, फिर छोटा छोटा बच्चा लोग तो नहीं ना जा सकते हैं जंगल पार करके, फिर और टीकाकरण सब लेने के लिए भी अकेले तो नहीं जा पाते हैं जंगल के डर से। आबादी कितनी होगी तीन टोला मिलाकर? जनसंख्या 450 है और बच्चों 0 से 5 साल के बच्चे 56 है। अच्छा, तो ये जो बच्चे हैं तो आंगनबाड़ी तो नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ से दूर ना, पर जंगल भी है और दूर भी है, उतना दूर बच्चा कहाँ जाएगा और माँ लोग भी खोजने कहाँ जाएगी इतना दूर। इस सेंटर में, जिलकिया सेंटर में कितने टोले के लोग आते हैं? एक बगल में मेरा प्रेम नगर है, कॉलोनी है, वो हो गया, एक झिलिपिया खुद एक बस्ती है, पिंडरा है, उल्हारा का है, उल्हारा में भी एक दो टोला है, झरना है, ऊपर टोला है, ऐसा मिला करके सारा टोला का और कॉलोनी के बच्चे हैं। मैं और मेरे समुदाय के लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे गांव में भी मिनी आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे गांव के बच्चे और महिलाएं सही रूप से पोषाहार और टीकाकरण का लाभ उठा पाएं। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि रामगढ़ जिले के डीसी राजेश्वरी बी को उनके कॉन्टैक्ट नंबर 9431146500 पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि जल्द से जल्द हमारे गांव में आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जा सके। मैं बसंती सोरेन, झारखंड के रामगढ़ जिले से, इंडिया अनहट के लिए।